दोस्तों आप ऑल इन वन फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन के बारे में सुना होगा, मैंने बताया भी है, लेकिन आज जिस मशीन के बारे में बताने वाला हूँ वो है ऑल इन वन मैनुअल मशीन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी बेरोजगार है, किसी प्रकार का लघु उद्योग स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही कम पूंजी में बेस्ट बिजनेस आइडिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र यादव, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीते टीच में। दोस्तों अगर आप स्लीपर मैकिंग बिजनेस करना चाहते हैं अथवा स्क्रबर पैकिंग का बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अलग अलग मशीन की आवश्यकता नहीं है, आप एक ही मशीन में दोनों आइटम को बना सकते हैं बिल्कुल कम पूंजी लगा करके। तो देखते रहिए वीडियो को अंत तक, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि इस तरह की वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता रहूँ। तो वीडियो स्क्रीन पर जो ये मशीन आप देख पा रहे हैं, ये स्लीपर मैकिंग मशीन है, मैनुअल मशीन है, लेकिन इस मशीन में आप स्लीपर के साथ साथ स्क्रबर, ड्राई फ्रूट मसाला, बहुत सारी आइटम, डाई को चेंज करके आप पैकिंग कर सकते हैं। अगर आपको स्लीपर बनानी है तो इसमें स्लीपर का जो है डाई लगा के इसमें स्लीपर बना सकते हैं। स्क्रबर पैकिंग करनी है तो इसमें स्क्रबर पैकिंग का डाई और उसका हीटर लगा के इसमें आप स्क्रबर पैकिंग कर सकते हैं। यानी कि एक ही मशीन में आपका दोनों काम होने वाला है। इस मशीन को लगाने से ये फायदा होगा कि अगर आप इस लघु उद्योग को स्टार्ट करते हैं, अगर आपके मार्केट अगर स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा पूंजी बढ़ा के आप दो प्रोडक्ट बना सकते हैं। मान लीजिए अगर एक प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है, उसमें अगर मंदा आ गया तो आप दूसरा प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सकते हैं। अगर किसी आदमी को मार्केटिंग के लिए रख रहे हैं या आप खुद मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप दोनों प्रोडक्ट को ले जा करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। आपको दो मशीन लगाने की आवश्यकता नहीं है, एक ही मशीन से आप दो प्रोडक्ट आसानी से आप बना सकते हैं। बात करेंगे कि ये मशीन काम कैसे करती है। तो सबसे पहले जो है, अगर आपको स्लीपर बनानी है तो इसमें जो है इस मशीन के साथ साथ आपको ड्रिल मशीन, इस मशीन के साथ साथ ये मशीन मिलेगा। इस मशीन में जो है स्लीपर कटिंग किया जाता है, अलग अलग डाई लगा के आप अलग अलग साइज में स्लीपर बना सकते हैं, और बहुत सारी प्रकार की नई डिजाइन में, पुरानी डिजाइन में, जिस प्रकार का आपका मार्केट से रिक्वायरमेंट आएगा उस प्रकार का इसमें डाई को चेंज करके स्लीपर बना सकते हैं। अब बनाने की विधि की बात करें तो सबसे पहले जो है इस मशीन से स्लीपर को कटिंग किया जाता है। कटिंग करने के बाद जो है इसको ग्राइंडर के द्वारा ग्राइंडिंग किया जाता है, उस पर इसको साफ किया जाता है। जैसे कटने के बाद उसमें जो है कोनी पे जो लगा हुआ रहता है तो उसको साफ किया जाता है। उसके बाद इसमें ड्रिल किया जाता है, ड्रिल करके उसके बाद फीता लगाने वाले मशीन पे इसमें जो है फीता लगाया जाता है, और उसके बाद एक केमिकल आती है जो आप वीडियो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इस प्रकार की केमिकल से जो है ये चप्पल को इस चीज़ से साफ किया जाता है, इससे है कि चप्पल का जो सीट है वो जल्दी ख़राब नहीं होता है और ये शाइनिंग दिखता है, चमकता है। तो इस प्रकार से आप स्लीपर बना सकते हैं, अलग अलग डाई को चेंज करके हर प्रकार में, हर डिजाइन में आप स्लीपर बना सकते हैं। अब बताते हैं कि इसमें आप स्क्रबर कैसे पैकिंग कर सकते हैं। तो सिंपली सा ये फोल्डेबल मशीन है दोस्तों। आपको अगर इसमें स्क्रबर की पैकिंग करनी है तो स्लीपर काटने वाला जो ऊपरी भाग होता है वो फोल्डेबल रहता है, उसे आप खोल करके इसमें स्क्रबर का डाई सेट करके इसमें आप स्क्रबर पैकिंग कर सकते हैं। स्क्रबर और ब्लिस्टर को जो है लगा के डाई में रख के इसमें आप स्क्रबर पैकिंग कर सकते हैं, मसाला पैकिंग कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स पैकिंग कर सकते हैं, और आप मार्केट में आसानी से सेल कर सकते हैं। बात करें कि इसमें कितनी बिजली की आवश्यकता होती है तो इसमें आपको खास बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। सिंगल फेज पे ये घरेलू बिजली से भी इसको आप यूज कर सकते हैं, और न ही किसी प्रकार का इसमें लाइसेंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये मैनुअल मशीन है और शुरुआती है। इससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें जगह की कितनी आवश्यकता होती है, तो खास जगह की भी आवश्यकता नहीं है। आप 10x10 से भी अगर रूम छोटा है तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं, इस फैक्ट्री को सेटअप कर सकते हैं। करें कि इस बिजनेस को आप स्टार्ट किस प्रकार कर पाइएगा, तो दोस्तों कोरोना महामारी के वजह से जो लोगों का कार्य छूट चुका है, बाहर से काम छूट चुका है, वो बेरोजगार बैठे हैं, तो वो कम पूंजी में लगा के वो इस प्रकार का बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं। बैंक से लोन भी ले सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैंने जिस कंपनी का नाम नंबर दिया हूँ उसमें आपको जो कंपनी से आप कोटेशन लेके बैंक से लोन भी ले सकते हैं, और ये ज़्यादा पूंजी क्या है ही नहीं, 25 से 35 हज़ार की रेंज की ये मशीनें हैं। इसमें इतना पूंजी लगा करके
आप इस बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं और उच्च लेवल तक की जा सकते हैं। बिजनेस आप 25,000 के कीजिए अथवा 25 लाख के कीजिए, ये डिपेंड नहीं है, डिपेंड होता है बिजनेस के बारे में आपको जानकारी कैसी है, आप उस बिजनेस के ऊपर मेहनत कितना कर रहे हैं, ये डिपेंड होता है बिजनेस को चलने के लिए। आप सबसे बड़ी होती है मार्केटिंग की, तो ये सब चीज़ जो है आप अगर जानकारी लेकर के करते हैं तो ये बिजनेस आपको चलेगा ही। और सबसे बड़ी बात है कि ये कम पूंजी से स्टार्ट होने वाली बेस्ट बिजनेस आइडिया है, आप इसे कम पूंजी में स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो भाई लोग जिनका काम छूट चुका है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इस फैक्ट्री में यहाँ विजिट कर सकते हैं। दोस्तों बात आती है कि किस प्रकार आप स्टार्ट कर पाइएगा इस बिजनेस को, तो बात करें कि ये कितने से स्टार्ट हो जाएगी, तो ये जो बिजनेस है आपको 25,000 से लेके 40,000 के रेंज में मटेरियल मशीन सब मिला करके आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको खास लेबर की भी आवश्यकता नहीं है, आपका अगर काम छूट चुका है, आप बेरोजगार है, तो इसे आप ही अपने घर पे रह के ऑपरेटिंग कर सकते हैं और इसे आप चला सकते हैं। दोस्तों बिजनेस किसी भी बिजनेस में डिपेंड होता है मार्केटिंग, तो आप छोटा से ही स्टार्ट करके अगर दोनों चीज़ का मार्केटिंग की परख कर लेते हैं, मार्केट में अपना पहचान बना लेते हैं, तो आप इसके बाद ऑटोमेटिक भी मशीन ले सकते हैं। बहुत सारी मशीन आती है जो आपके पास जब अगर मार्केट वैल्यू बन जाए तो आप बैंक से लोन लेकर के आप बड़ी बड़ी मशीनें लगा सकते हैं, जैसे स्क्रबर का भी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लगा सकते हैं, पेपर प्लेट का भी, चप्पल का भी, हर एक का अलग अलग बना सकते हैं, प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि मार्केटिंग की, तो सबसे पहले आप इस मशीन को खरीद करके आप पहले मार्केट में परख लीजिए कि मार्केट में आपका क्या मांग है, क्या चल रहा है। और एक जानकारी मैं आपको अवश्य देना चाहूँगा कि अगर आप इस मशीन को खरीद रहे हैं तो चप्पल का मटेरियल कभी भी आप ज़्यादा नहीं लीजिए। लोग बहुत सारे लोगों का मुझे कॉल आता है या मैं सुनता हूँ कि वो चप्पल का बिजनेस किए, मटेरियल बहुत सारा ले लिए, उसमें से वो मटेरियल चल ही नहीं रहा। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि मटेरियल जो है, स्क्रबर का मटेरियल आप ले सकते हैं, उसमें जितना ज़्यादा ले सकते हैं वो डिपेंड नहीं, चप्पल का जो मटेरियल है आप एक एक सीट लीजिए, मतलब बहुत कम 3,000 या 4,000 का ही मटेरियल लीजिए और बनाइए। पहले मार्केट में जाइए, मार्केट में आपका क्या रिक्वायरमेंट है, कस्टमर का क्या मांग है, उसी हिसाब से आप दूसरा बार मटेरियल खरीदिए और बनाइए। ये नहीं कि पहला ही बार आप बहुत सारा माल ले लिए और आपका माल फंस गया, तो ऐसा नहीं करना है। आप थोड़ा सा माल लेकर के पहले स्टार्ट कीजिए, मार्केटिंग देखिए, उसके बाद। अब बात आती है कि मशीन और मटेरियल आप कहाँ से खरीद सकते हैं, तो ये बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले की फैक्ट्री का नाम नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ, वीडियो स्क्रीन पे भी मैंने फैक्ट्री का नाम नंबर दे दिया हूँ। यहाँ पे आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि मशीन अलग से ले, मटेरियल अलग से ले, दोनों आइटम यहाँ उपलब्ध है, मशीन भी अवेलेबल है, मटेरियल भी अवेलेबल है। खास बात यह है कि यहाँ मशीन मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, और एक ही मशीन नहीं है, हर प्रकार के लघु उद्योग की इस फैक्ट्री में जो है, लघु उद्योग की हर मशीन मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है। तो ये नहीं है कि आप पहले आप जाइए इस फैक्ट्री में विजिट कीजिए या कहीं भी, ये नहीं है कि इसी फैक्ट्री में, कहीं भी जाइए पहले मशीन को देखिए, मटेरियल को देखिए, मार्केटिंग को समझिए, तभी आप बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। पूर्ण रूप से जो है जानकारी लीजिए, अपूर्ण मत रहिए। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो है जानकारी पूर्ण रूप से ले लीजिए, स्टार्ट कीजिए बिजनेस को, आप दावा है कभी भी फेल नहीं हो पाइएगा। क्योंकि लोग होते हैं फेल, मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं या तो मशीन चलाने में फेल हो जाते हैं, अगर आप दोनों चीज़ परख लेते हैं तो आप कभी भी फेल नहीं हो पाइए, क्योंकि उस चीज़ का आपके पास जानकारी है तो आप फेल नहीं हो पाइए। इस फैक्ट्री में आपको जो चप्पल का सीट आता है, सीट मिल जाएगा, इसमें प्रिंटर मिल जाएगा, हर तरह के फीता मिल जाएगा, और जैसा रिक्वायरमेंट हो डब्बा वगैरह का सब मिल जाएगा, ऑर्डर पे यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। स्क्रबर की बात की तो स्क्रबर का सीट आता है वो भी मिल जाएगा, स्टीलनेस स्क्रबर SS और GI दोनों आइटम मिल जाएगा। ब्लिस्टर भी बहुत तरह की आता है, जैसा आपका मार्केट में रिक्वायरमेंट है वो ले सकते हैं, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। और दोनों मटेरियल मशीन लेकर के इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल नई मशीन है बिहार में नहीं, पूरी जगह पे ये बिल्कुल नई मशीन है, इस कंपनी ने नई मशीन ही अभी बनाई है, तो अच्छा खासा जो है रिस्पॉन्स है इस मशीन का। कम पूंजी में जो है दो दो प्रोडक्ट आप तैयार करते हैं, अलग अलग अगर आपका
इस प्रोडक्ट को अगर तैयार करते हैं तो 35 के रेंज में लगभग आ ही जाता है मैनुअल स्क्रबर मशीन। स्लीपर में ही सब कुछ लेकर के आपको अगर मैनुअल से भी स्टार्ट करते हैं तो 30 से कम नहीं लगता है, 30,000 लग जाता है। ऐसे आपको 60,000 रुपया लगता है उतना, उसके बाद मटेरियल। लेकिन इसमें है जो कि आपको 30 से 35 के रेंज में मशीन और डाई वगैरह सब कुछ हो जाता है। 5,000 का कम पूंजी, कम मटेरियल लेकर के आप स्टार्ट कर सकते हैं इस बिजनेस को। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता रहूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।